वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। और जो है हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास के मैप होता क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कार्नोव मैप, इसको के मैप भी कहते हैं, ये एफिशिएंट वे है सॉल्व करने का बूलियन फंक्शंस को। ये जो है इजीली अप्लाई हो जाता है वहाँ बूलियन फंक्शंस पे जब हमारे पास वेरिएबल जो है फोर या फोर से लेस होते हैं, कम होते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो ये एडवांटेजेस हैं इसके टू, और एक ये डिसएडवांटेज है, ईजी टू फॉलो है, और इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू सिंप्लीफाई बूलियन फंक्शन। और जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये कम्प्लेक्स हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, फिर के मैप फॉर टू वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, इसमें ये फोर सेल्स होते हैं। हमारे पास फोर सेल्स कैसे होते हैं, बेस हमेशा टू ही होगी, वेरिएबल्स अगर टू है ना, के मैप फॉर टू वेरिएबल्स बता रही हूँ ना, तो यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है आपके पास। ठीक है, तो ये फोर सेल्स कैसे हैं, बेस हमेशा टू होगी, वेरिएबल्स जितने हैं तो उसकी पावर उतनी हो जाएगी। वेरिएबल्स अगर टू हैं तो पावर टू हो जाएगी, अगर वेरिएबल्स थ्री हैं तो पावर थ्री हो जाएगी। तो ये पावर क्या है, टू है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स टू हैं। तो टू की पावर टू इक्वल किसके होता है, फोर के। यहाँ पर फोर आ जाएगा, टू का स्क्वायर क्या होता है, टू मल्टीप्लाई बाय टू, फोर के इक्वल हो गया। फोर सेल्स हो गए, टू रोज हैं और टू कॉलम्स हैं। कैसे, ये टू रोज हो गई और ये टू कॉलम हो गए। वन वेरिएबल इज़ रिप्रेजेंटेड वर्टिकली, ये है हमारे पास जो है वर्टिकली, और एक क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टली। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, अबव फिगर शोज द के मैप इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, एक्स और वाई की, वो वन है। और जो इसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक्स बार कह लो, वाई बार कह लो, या एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट कह लो, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आता है, ये देखिए, एक्स बार है यहाँ पर, या एक्स कम्प्लीमेंट एक्स, वाई कम्प्लीमेंट वाई, आपने इस तरह की अरेंजमेंट इसकी लिख लेनी है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का इधर आ जाएगा, इन दोनों का इधर आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इधर और इन दोनों का इधर। समझ आ गया, दोबारा से मैं बता देती हूँ। ठीक है, और वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स कम्प्लीमेंट की जीरो, वाई कम्प्लीमेंट की जीरो, एक्स कम्प्लीमेंट की जीरो, वाई की वन। जो एक्स और वाई उनकी वन वन है, और जो कम्प्लीमेंट है उनकी क्या है, जीरो जीरो हमारे पास वैल्यू है। ओके, तो हम आ जाते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखें, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको देखें, एक्स और वाई कम्प्लीमेंट, तो एक्स वाई कम्प्लीमेंट किस सेल में है, इसमें 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 कि इसमें, तो हम देख लेते हैं एक्स वाई कम्प्लीमेंट किस सेल में, एक्स y कम्प्लीमेंट इस सेल में। तो आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है, आपने इधर लिख लेना है वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, ये मिन टर्म जो है आपके पास, ये क्या है, x कम्प्लीमेंट y, x कम्प्लीमेंट y किधर है, x कम्प्लीमेंट y इसमें है, इस सेल में आपने क्या कर लेना है, वन लिख देना है। ठीक है, ये समझ लें पहले, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वन 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 कुछ भी नहीं, अभी इसमें आ गया, इसमें आ गया। अब इसको देखें, एक्स वाई, एक्स वाई किस सेल में आपके पास, एक्स वाई इस वाले में है, तो आपने इधर क्या वन लिख देना है। अब एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट किस में, इस वाले में, देखें, तो आपने इधर वन लिख देना है। तो हर जगह क्या आ गया, सारे सेल्स में आपके पास वन वन आ गए। अब यहाँ पर तो ये फोर मिन टर्म्स थी, इसलिए ऐसा हुआ। जब हमारे पास यहाँ पर ये थ्री मिन टर्म्स हैं, तो फिर यहाँ पर थ्री सेल्स में ही वन आया। वो कैसे आया, एक्स वाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस सेल में है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट किस सेल में है हमारे पास, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास इस वाले में। ठीक है, तो आपके पास इधर आ गया वन। फिर आपके पास है जी, यहाँ पर वन आ गया। फिर आपके पास है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई किस में है, यहाँ पर, एक्स कम्प्लीमेंट वाई इधर है, तो इसलिए यहाँ पर वन आ गया। फिर हमारे पास है एक्स वाई, तो एक्स वाई किस में है, इसमें है ना, इस वाले सेल में है एक्स वाई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वन आ गया। और यहाँ पर हमारे पास नहीं था कुछ भी, यहाँ पर देखिए थ्री टर्म्स थी, थ्री मिन टर्म्स थी, हमने ही देखा, ये इधर आ गया, ये इस सेल में था इधर वन आ गया, ये इस सेल में था इधर वन आ गया, तो इस सेल के लिए कुछ मिन टर्म थी नहीं, इसलिए यहाँ पर जीरो आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारे पास मिन टर्म थी, वो हम लोगों ने उस सेल में वन वन की एंट्री कर दी। आपने इसी तरह यहाँ पर फोर मिन टर्म्स थी, इसलिए सारे सेल्स में वन वन की एंट्री हो गई। फिर क्या करना होता है, फिर आइडेंटिफाई एडजेसेंट वंस इन द के मैप एंड इन सर्कल देम। फिर आपने वन को जो है देखना है और आपने उसको सर्कल कर देना है। यहाँ पर सारे वन 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 है, तो आपने इस तरह सर्कल कर देना है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास वन वन वन, वो तो समझ आ गया ना आपको, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, एंट्रीज कर दी। फिर सर्कल करना है तो कैसे करते हैं, एक ये सर्कल हो गया, एक ऐसे सर्कल हो गया। ठीक है, आपने ऐसे ग्रुप ग्रुप बना दिया।
ठीक है। और जब आपके पास इस तरह होगा, यहाँ पर देखिए तो आपने इसको जो है सर्कल किया हुआ है, और यहाँ तो ज़ीरो ज़ीरो, इसको तो करना नहीं है, ये ग्रुप बना दिया इसका। तो यहाँ पर आपके पास सारे जो वन वन था आपने इस तरह उसको बना दिया, और आपने यहाँ पर ये लिख देना, फिर राइट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर ईच ग्रुप। तो हम यही स्टेटमेंट लिखते होते हैं, राइट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर ईच ग्रुप, तो ऑल द एलिमेंट्स आर वन, सारे एलिमेंट्स वन है, देयर इज़ ओनली वन ग्रुप, सिर्फ एक ही ग्रुप है। पीछे मैंने आपको दिखाया था एक क्वेश्चन में वन ग्रुप था, सिर्फ एक ही ग्रुप था, इसमें टू ग्रुप्स हैं, और इसमें हमारे पास भी एक ही ग्रुप है, सारा वन ही है उसमें सारे। सम ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज वन इन दिस केस, राइट फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म एज सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई वेरिएबल है दोनों, इक्वल टू फंक्शन है, तो वेरिएबल एक्स वाई है, इक्वल टू वन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।